वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीखी थी उनको ध्यान में रखते हुए। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि परसेंटेज, मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने पिछली क्लास में क्या देखा था। हमने पिछली क्लास में बेसिकली ये देखा था कि परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे करना है, और ताकि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज को बिना उसको कन्वर्ट करे फ्रैक्शन में आप याद कर सके, आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, इफ़ ए इज़ 25% मोर देन बी देन व्हाट बी इज़ लेस देन ए। तो इसका सीधा फॉर्मूला है, अगर आपको ये निकालना है तो इसका ऊपर वाले का, मोर वाले का हमेशा 1/n होगा और लेस वाले का 1n+1 होगा। अब 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है, तो 1/4 यानी कि n4 हो गया। तो इसके लिए आपका n4 हुआ, तो 4+1 5 5 आपका 1/5 की परसेंट होती है 20%, ठीक है। उसके बाद हमने किया था रिडक्शन फैक्टर और इंक्रीज इन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर होता है आपका 20% लेस तो ये 0.8 हो जाएगा, 20% मोर है तो 1.2 हो जाएगा, 100 में मोर, ये आप देख सकते हैं। ऐसे ही फिर हमने ये चार फार्मूलाज किए थे जिसमें अगर एक साथ 2% ऐड हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो उसका टोटल आंसर क्या आता है, ठीक है। तो ये आपका है। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चंस की बात। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ अगर आपको आता है, एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीजेस बाय 30%। अब आपको कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज होगी और जो ब्रेथ है वो 10% डिक्रीज होगी है। तो वो बोलते हैं फाइंड द नेट चेंज इन द टोटल एरिया। ओरिजिनल रेक्टेंगल सपोज हमारा, हम लेट कर लेते हैं कि ओरिजिनल रेक्टेंगल की जो एरिया है वो है हमारी ए विच इज़ इक्वल्स टू एल इंटू बी। ये हमारी ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ है। अब हम करते हैं न्यू रेक्टेंगल एरिया, इसको हम मान लेते हैं ए डैश, और इसकी एरिया हमारी है एल डैश इंटू बी डैश, है ना। तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी न्यू एल है यानी कि एल डैश है, वो है, वो हो गई है आपकी 30 times इंक्रीज हुई है ओरिजिनल एल की। तो इंक्रीज होता है तो क्या होता है, 100 में 30 ऐड करोगे, डिवाइड बाय 100 करना है, तो वो क्या होगा, 1.3 ऑफ एल। तो एल डैश हमारा 1.3 ऑफ एल आ गया। ऐसे ही जो न्यू ब्रेथ है वो है हमारी 10% डिक्रीज ऑफ द ओरिजिनल ब्रेथ। तो ये हमारा माइनस करेंगे 100 में से 10 कितना आया, 90 डिवाइड बाय 100 0.9 ऑफ बी, ठीक है, बी डैश हमारा ही आ गया। तो हमें क्या निकालना है, नेट चेंज। नेट चेंज के लिए हमें पहले फ्रैक्शन निकालनी होगी। तो हम करेंगे क्या, ए अपॉन ए डैश, तो ये आएगा हमारा एल इंटू बी अपॉन 1.3L इंटू 0.9B। तो ये एल से एल, बी से बी कट गया, ये आया हमारा इंटू 100 कर रहे हैं वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आएगा 100 अपॉन 117। ये उल्टा है, ए अपॉन ए डैश आया है ये, ठीक है, ये आया हमारा ए अपॉन ए डैश। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि ओरिजिनल एरिया जो थी वो हमारी 100 थी और जो न्यू एरिया आई है वो हमारी आई है 117, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, नेट चेंज निकालना है। तो नेट चेंज क्या होता है, ए डैश माइनस ए अपॉन ए, यही होता है ना नेट चेंज इनटू 100। तो ये होगा हमारा, ये आएगा 117, है ना, क्या आएगा हमारा, यार रुको सिंपल तरीके से करके बताती हूँ मैं आपको। सिंपल तरीका है, नेट चेंज हमारा क्या आया है, सीधा 17% ऑफ इंक्रीज दिख रहा है इसमें, न्यू एरिया 17 इंक्रीज हो गई है। तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे
तो आप सीधा वहां पे लिख सकते हो कि 17% ऑफ इंक्रीज इन इन न्यू एरिया इन ए डैश, 17% ऑफ इंक्रीज। अगर आपको नए मेथड से करना है तो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब आपका नया फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो क्या था? ए परसेंट अगर इंक्रीज हो रहा है और बी परसेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, है ना। तो ये ए हमारा क्या था? 30 माइनस 10 माइनस 300 अपॉन 100, तो 20 माइनस 3 कितना है आपका? 17% इंक्रीज। तो आपको ये ज़्यादा आसान लगा ना ये फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूला को यूज़ करके इतने बड़े प्रोसेस को छोटा कर सकते हो, ठीक है। अब वहाँ पे तो वैसे ही आपको टिक मार्क करना होता है, तो ये भी पूरा ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा साइड में रफ शीट में अपना करके कर लेना, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन दूँ मैं आपको, दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो एल है वो इंक्रीज हो गया है 10%, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि वॉट रिडक्शन इन द ब्रेथ शुड बी मेड सो दैट द एरिया जो है वो सेम रहे जैसे पहले वाली एरिया थी। तो इसका हम करते हैं, देखो पहले मैं आपको लॉजिकल तरीके से करके दिखाती हूँ, या आप इसी तरीके से कर लो, ठीक है। तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर हम इसी फॉर्मूला में डालें तो ए हमारा क्या है? 10 है, क्योंकि ए इंक्रीज हो रहा है, माइनस बी को बी डैश कर दें या ओरिजिनल बी ऐसे ही रख देते हैं, तो बी आ गया, ठीक है। माइनस ऑफ 10 बी या इंटू करके अपॉन 100, और ये इज इक्वल टू ए है जो हमारी ओरिजिनल एरिया है, ये वही है। तो आपको वो चेंज क्या कर रहा है? चेंज आपको वो बोल रहा है कि चेंज 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये चेंज का फॉर्मूला है। तो चेंज हमारा क्या है? 0 है, क्योंकि वो कह रहा है कि ओरिजिनली एरिया है, तो चेंज हमारा क्या है? 0। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, इसको उधर ही लेके चले जाते हैं सीधा। 10 इज इक्वल टू बी प्लस बी अपॉन 10, 10 इज इक्वल्स टू 11 बी अपॉन 10, बी आ गया हमारा 100 अपॉन 11, बी आया हमारा 9.09%। तो इतने से इसको डिक्रीज करेंगे हम कि ये जो बी शुड बी डिक्रीज बाय कितना? 9.09%, सो दैट द रिमेनिंग एरिया रिमेन्स द सेम। आगे समझ में? अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब मैं आपको ऐसे और क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन वॉट फाइंड द नेट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सैलरी। अब वो आपको कह रहा है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो पहले 10% इंक्रीज हुई है, फिर 10% डिक्रीज हुई है। अब बहुत बच्चे इसका आंसर लिख के आ जाएंगे नो चेंज, सैलरी रिमेन्स द सेम। नहीं, परसेंटेज में जितना ऐड किया और बाद में उतना सब्ट्रैक्ट किया तो वो जीरो नहीं होता है। मैंने आपको अभी चेंज करके वैल्यूज दिखाई थी ना, तो अब मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ आपको। ए परसेंट इंक्रीज, बी परसेंट डिक्रीज, तो वही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, 10 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100। तो 0 माइनस 1, 1 माइनस 1 आ रहा है, माइनस का मतलब है रिडक्शन ऑफ 1% रिड्यूस हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, सपोज टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स हैं, ये आपको दिखेगा नहीं, ए और बी, ठीक है। दो नंबर्स हैं ए एंड बी, आर सच दैट देयर सम दैट द सम ऑफ 5% ऑफ ए एंड 4% ऑफ बी
इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी. फाइंड द रेशियो ऑफ ए इज टू बी. अब 5% ऑफ ए होगा हमारा 5/100 इंटू ए, और ऐसे ही बी का कितना है हमारा 4% / 100 इंटू बी. तो वो आपको कह रहे हैं द सम ऑफ, यानी कि इसका सम जो है इज इक्वल टू 4% ऑफ बी इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ 6% ऑफ ए एंड 8% ऑफ बी. दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द सम ऑफ सिक्स परसेंट ए प्लस 8% बी. तो अब हमको पूछ रहे हैं वो व्हाट इज द रेशियो ऑफ एज टू बी. तो अब हम करते हैं, अगर हम इसको ऐसे करके काट दें 4/100 ऑफ ए प्लस 16 ऑफ 300 ऑफ बी, ठीक है यही होगा हमारा, सही करा है ना मैंने. अब देखो, अब ये इधर आ जाएगा, ये सीधा 1/100 ऑफ ए हो गया, सीधा यही आ गया इज इक्वल टू 16 ऑफ बी बाय 300, ठीक है. 16 बी बाय 300 माइनस 4/100 इंटू बी, ये उधर आ गया. तो ये आएगा ए अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 16 बी, बी को बाहर निकाल लेते हैं, 300 एलसीएम लेंगे माइनस 12, 100 से 100 कट गया. ए इज इक्वल्स टू ये कितना आया 4/3 ऑफ बी. तो ए इज टू बी आ गया हमारा 4:3 रेशियो आ गया ये, ठीक है. ऐसा सम भी आ सकता है आपको पेपर में करने के लिए, ठीक है. सो ऐसे सम्स को प्रैक्टिस करो. मैं आपको एक ऐसी एक बुक का या वेबसाइट का नाम दे दूँगी जहाँ पे ऐसे ही सम्स होते हैं, इससे परसेंटेज से रिलेटेड और ऐसे ही डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट, ताकि आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ जितने ज़्यादा को शेयर कर सकते हैं प्लीज़ कर दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब ज़्यादा लोग नहीं देख पा रहे हैं, और पेपर बहुत जल्दी मतलब नज़दीक आने वाला है उसकी डेट रजिस्ट्रेशन की. तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को देखें, उनको फ़ायदा हो इन वीडियोस से कुछ. थैंक यू.